नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजे टेक्निकल बाय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, इससे जो पिछली वाली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने डायल पर फोटो कैसे लगा सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में मैं आपको ये भी बताया था कि जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पूरे फ़ोन में अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, भले वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब जगह आपकी फ़ोटो लगे दिखेगी बैकग्राउंड में पीछे। और वो बात दूसरी जो आप वॉलपेपर लगाते थे तो वो तो सिर्फ आपके होम स्क्रीन पर दिखता था, लेकिन अगर आप कोई ऐप्स ओपन करते थे तो उसमें क्या होता था कि उसके पीछे कोई कलर रहता था, या तो व्हाइट रहता था या ब्लैक रहता था, इस तरह से रहता है। और लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने पूरे फ़ोन में फ़ोटो लगा सकते हैं अपनी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मेरी यहाँ पर फोटो लगी हुई है, और मैं कुछ भी अगर ओपन करता हूँ तो इससे यूट्यूब ओपन करता हूँ अपना, और यहाँ पर देख लीजिए यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया है अपना, और यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ मेरी फ़ोटो दिख रही है बैकग्राउंड में। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो इससे किस तरह से आप करेंगे तो वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसका नाम है डिजाइनर टूल्स, और इसे सेटिंग्स के वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आप इस तरह से नीचे आएंगे, और यहाँ पर मैंने एक अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर रखी है, तो ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे शो हो रही है। और आप सिलेक्ट नहीं किए होंगे तो आपका बिल्कुल ब्लू इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर आपका ब्लू रहेगा पूरा। तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो चलिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ अपनी। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक फ़ोटो अपनी ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ोटो जो है उल्टी लग रही है, तो इसे आप सीधी कैसे कर सकते हैं ये बहुत। लोगों की हम सीधे कैसे करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको फिर से क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अपनी एक जो फोटो आप सिलेक्ट कर रहे हैं लगाने के लिए, उस फोटो को हल्का सा क्रॉप करना पड़ेगा, और क्रॉप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं गैलरी पर ले चलता हूँ। तो जैसे कि ये वाली मुझे फोटो लगानी है होम स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपको सॉरी होम स्क्रीन पे नहीं, पूरे फोन पे लगानी है आपको ये वाली फोटो, तो उसके लिए आपको क्रॉप करना पड़ेगा। और क्रॉप करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और ये आपके फोन में अगर ऑप्शन है तो कर लीजिएगा, वरना क्रॉप का ऑप्शन सभी फोनों में रहता है फिलहाल। और बल्कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि क्रॉप कैसे करते हैं, और क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो ये सब आपको पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आप गैलरी पे आकर के सिटी डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर रहता है वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर एक ओपन मिल जाता है जिसमें एक पेंसिल सा बना होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन मिल जाएगा ये। और उसके लिए आप जैसे मैंने अपनी फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लिया है, उसके बाद अब आपको अप्लाई कर देना है। चलिए मैं अप्लाई करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो ये मेरी सेव हो चुकी है, और मैं यहाँ से अब बैक कर लेता हूँ। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आपको मोर पे क्लिक करके वहाँ पर भी क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से भी आप अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसी फ़ोटो को सीधे लगा देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा, डिजाइनर टूल्स को, और यहाँ पर आना पड़ेगा गैलरी में, गैलरी से अपनी एक फ़ोटो ले लेनी है। तो अभी मैंने इसको क्रॉप किया था हल्का सा, और ये देख लीजिए मेरी जो फ़ोटो है यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया सीधी लग चुकी है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे 90% करना चाहते हैं तो 90% कर सकते हैं, और कम करना चाहते तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आप देख लीजिए ये मेरी 90% है, मेरे को बहुत ही अच्छी फ़ोटो दिख रही है पीछे, और अगर मैं इसे कम करना चाहता हूँ यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं। और मेरे बाद माने तो आपसे कम ही रखी हुई ज़्यादा ही अच्छा, क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी लिखा होता है वो आपको साफ नहीं दिखेगा, इसलिए आप इसे कम रखें। और अगर आप ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे खुल रहा तो खुल भी आप कर सकते हैं, और अगर आप दोस्तों के साथ बैठे होते हैं और ऐसा होता तो वो कहते हैं भाई मेरे मिल कर दिया कैसे किया, तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए आप ये सब कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में नए टॉपिक पर, वीडियो फिर से लेके आऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको।